अटकले लग रही है उनको साफ कर दिया और कहा है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता, किस मुंह से मना करूं एनडीए में शामिल होने पे कहा। एक ऐतिहासिक काम है जिसके कहते हैं ना कि हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स और मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की माँ होती है और इतिहास बनाने का काम मोदी कर रहे हैं, इतिहास बनाने का काम योगी हमारी एनडीए कर रही है जो उनके दादा को इतना संघर्ष किया था जिसको आज उनके असली लोकतंत्र का स्थापना किया। तो मैं तो बधाई दूंगा, कम से कम उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया आरएलडी जयंत चौधरी ने कि हमारे दादा के साथ बहुत बड़ा सम्मान मिला और हम बधाई देते हैं कि कम से कम उनके सपने, उनके दादा के सपने जो है हमारी सरकार पूरा कर रही है। और निश्चित रूप से यह सपने उनके हैं कि जनता के जो सपने हैं, जनता जो हमारी देश के सपने हैं, राष्ट्र के सपने हैं, ये सारे कुछ पूरा हमारी सरकार करे, इसलिए जयंत चौधरी को भी बधाई देता हूँ। कम से कम सर, कल हल्द्वानी में जो घटना हुई परसों, उसके बाद कल आपका सदन में भी रिप्लाई लगा था अतिक्रमण को लेकर, आपने बयान दिया है। अतिक्रमण के लिए हमारी सरकार जो है, देखिए विकास के लिए हमें अपनी सरकारी जमीन चाहिए और विकास सभी जनता का होता है और उसमें जो भी तमाम, देखो तमाम रेल के किनारे मजार बना लिया, कहीं रेल के अंदर बना लिया, स्टेशन बना लिया, रोड पर बना लिया, तो पूजा तो कहीं किया जा सकता है ना। अब रेल तो नहीं हटाया जा सकता है, वो तो हटाया जा सकता है और रेल पर सारे लोग चलते हैं, उसमें सभी धर्म के लोग चलते हैं। बरेली में मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं कि अगर कोई सामने से मारने आएगा तो उसको मारेंगे। वो तो जनता मारती है, अभी बटन में, बंदूक में ताकत नहीं है, बटन में ताकत है लोकतंत्र में, इसलिए बटन की ताकत से सारे लोग मर रहे हैं, बंदूक की ताकत खत्म हुई। सर, तो आपने कहां की बात करी, कौन से कहां का अतिक्रमण था, कहीं भी पूरे देश के बहुत हमारे निषाद, अरे निषाद राज के किले पर भी एक मस्जिद बनी हुई है, अभी हटनी चाहिए। मैंने तो कल सदन में बोला परसों कि हर एक जगह जहां भी विवादित है, जब मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहा गया कि जो है विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, तो क्यों गुनाह कर रहे हैं, उसको हटा के सही जगह करे। जिस तरीके अयोध्या में हुआ, कोई जरूरी है न्यायालय करे, कम से कम धार्मिक है तो धर्म के हिसाब से।